हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उसे एक स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे एक्ट्रेस, टिकटॉक स्टार और यूट्यूबर सुरभि एंड समृद्धि के बारे में। सुरभि मेहता और समृद्धि मेहता एक ट्विन सिस्टर हैं। ऑन स्क्रीन ये दोनों चिंकी मिंकी के नाम से जानी जाती हैं, लेकिन इन दोनों में से कौन चिंकी है और कौन मिंकी है ये किसी को भी नहीं पता, और पता चल भी जाए तो भी कोई फायदा नहीं, क्लोथ चेंज करते ही आप भूल जाएंगे। यार तुम एक बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रही हो कि मैं चिंकी हूँ या मिंकी। मैंने आपको भी कंफ्यूज कर दिया ना, तो कोई नहीं, आज आपको बता ही देती हूँ कि कौन चिंकी है और कौन मिंकी। तो मैं चिंकी हूँ या मिंकी है। तो चलिए सुरभि और समृद्धि के बारे में शुरू से बात करते हैं। इन दोनों का जन्म 27th of December 1998 को राजधानी दिल्ली में हुआ था। सुरभि और समृद्धि ने अपनी स्कूली पढ़ाई माउंट आबू पब्लिक स्कूल से की थी। वो दोनों अपने मॉम डैड की बहुत लाडली रही हैं, इसलिए दोनों बचपन से ही बहुत शैतान रही हैं। चाहे घर हो या स्कूल, वो हर जगह शैतानी करती थी। बात करें उनकी फैमिली की, तो उनकी फैमिली में उन दोनों के अलावा उनके पेरेंट्स हैं और दो पेट्स हैं जो कि डॉग हैं। बचपन में उन्होंने कई बार अपने स्कूल बंक मारे हैं और बहुत बार अपने जुड़वा होने का फायदा उठाया है। वैसे तो वो दोनों ट्विन हैं, पर आपकी जानकारी के लिए बता दें सुरभि समृद्धि से एक मिनट बड़ी हैं। वो जब छोटी थी तब भी इतनी ही क्यूट थी, इसलिए बचपन में ही उन्हें ये सलाह दी जाती थी कि वो मॉडलिंग और एक्टिंग में अपना करियर बनाएं, और वो बहुत कम उम्र से ही एक्टिंग और मॉडलिंग करने के लिए मेहनत करने लगी थी। माउंट आबू से स्कूलिंग करने के बाद कॉलेज ऑफ वोकेशन स्टडीज से उन्होंने ग्रेजुएशन की। चिंकी मिंकी आज भी अपनी कॉलेज लाइफ बहुत मिस करती हैं। उन्होंने हर काम साथ में ही किया है। उनका ट्विन होना एक गॉड गिफ्ट साबित हुआ है, क्योंकि ट्विन होने की वजह से ही वो आज इतनी फेमस हैं। पर सिर्फ ट्विन होने से कोई फेमस नहीं हो जाता, इसमें उनका परफेक्ट लुक और कमाल की टाइमिंग भी वजह है। इसके अलावा उन दोनों की पसंद भी एक जैसी ही है। अगर सुरभि को कोई चीज़ पसंद आती है तो वो उसका पेयर ही खरीदती हैं, क्योंकि ये पक्का है कि समृद्धि को भी वो चीज़ पसंद आएगी, और समृद्धि कोई चीज़ खरीदती हैं तो वो भी ऐसा ही करती हैं। वो एक दूसरे के बिना अधूरी हैं, दोनों हमेशा साथ में ही नज़र आती हैं और एक दूसरे को प्यार भी बेहद करती हैं। जैसे आज उनमें ये पहचानना मुश्किल है कि कौन चिंकी है और कौन मिंकी, ये कन्फ्यूजन हमेशा ही लोगों की रही है। अपने ट्विन होने का फ़ायदा उठाने में वो बहुत आगे रही हैं। कभी वो फ्रेंड्स को बेवकूफ़ बनाती थी, कभी टीचर्स को, तो कभी रिलेटिव्स को। कपिल शर्मा शो में इनवाइट होने से पहले वो दोनों फैशन इन्फ्लुएंसर थीं और टिकटॉक स्टार भी थीं। हालांकि तब तक उनके टिकटॉक पर ज़्यादा फैंस नहीं थे। पहले दोनों का इंस्टाग्राम अलग अलग था, लेकिन अब दूसरा अकाउंट डिलीट हो चुका है। टिकटॉक पर वो हमेशा से ही जुड़वा थीं। टिकटॉक पर वो एक साल से वीडियो डाल रही हैं, लेकिन द कपिल शर्मा शो में आने के बाद ही उन्हें असली फेम मिला। चलिए सुरभि और समृद्धि या चिंकी मिंकी के करियर के बारे में शुरू से बात करते हैं। उन दोनों को बचपन से ही मॉडलिंग और एक्टिंग में करियर बनाना था, पर ग्रेजुएशन कंप्लीट करके उन दोनों ने जॉब भी की थी। ये जॉब किसकी थी ये तो उन्होंने नहीं बताया, पर ये बताया कि कॉलेज के बाद दोनों ने 2 महीने जॉब भी की थी। जॉब में ना ही उनका मन लग रहा था और ना ही अच्छा करियर दिखाई दे रहा था, इसलिए दोनों ने जॉब छोड़ दी। जॉब छोड़ने के बाद वो मॉडलिंग करने लगी। मॉडलिंग में उन्हें ऑफर और काम भी अच्छा मिलने लगा। उसके बाद दिल्ली में ही उन दोनों ने फैशन इन्फ्लुएंसर का काम स्टार्ट कर दिया। वो दोनों जुड़वा थी, इसलिए वो फैशन और क्लोथ्स में अलग ही क्रिएटिविटी दिखाती थी, जो काफ़ी पसंद की जाती थी। दिसंबर 2018 में उन्होंने टिकटॉक ज्वाइन किया और वहाँ उन्होंने अपने क्रिएटिव वीडियो डालना स्टार्ट किया। उनके वीडियोज़ पर व्यूज़ काफ़ी कम आते थे, लेकिन लोगों की पॉजिटिव कमेंट्स से दोनों काफ़ी मोटिवेट रहती थी। उन्हें पता था कि एक ना एक दिन वो टिकटॉक पर फेमस जरूर होंगी। उनकी ज़िंदगी नॉर्मल चल रही थी, पर एक दिन अचानक उनके पास एक मेल आया। उस मेल में द कपिल शर्मा शो के लिए ऑडिशन देने को इनवाइट किया गया। वो दोनों ऑडिशन देने मुंबई गई। ऑडिशन के दौरान ही शो के प्रोडक्शन को पता चल गया कि वो दोनों परफेक्ट हैं।
उन्हें वहां सेलेक्ट कर लिया गया। शो के प्रोडक्शन ने उन्हें ऐसा रोल दिया जो आसान नहीं था। उन्हें साथ में ही बोलना था, वो भी टाइमिंग के साथ। पहली बार वो जब सेट पर गईं तो उन्हें ये सब एक सपने जैसा लग रहा था। सुरभि और समृद्धि ने शो में अपना रोल बहुत अच्छे से प्ले किया और दोनों की टाइमिंग और रिएक्शन देखकर लोग उनके फैन हो गए। उनका फर्स्ट शो 29th ऑफ जून 2019 को आया। यहाँ से उन दोनों की दुनिया ही पलट गई। अब वो काफ़ी फेमस हो गई, न सिर्फ टीवी पर, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, हर जगह उन्हीं के वायरल वीडियो नज़र आ रहे थे। चिंकी मिंकी के इंस्टाग्राम और टिकटॉक फॉलोअर मिलियन में पहुँच गए। टिकटॉक पर भी उनके वही वीडियो वायरल हो गए जो उन्होंने कपिल शर्मा शो में डायलॉग मारे थे, उन पर लिपसिंक करके बनाए थे। फेमस होने के बाद उनकी लाइफ काफ़ी बदल गई है। पहले वो कहीं भी घूम लेती थी, पर अब वो हर जगह नहीं जा सकती। कपिल शर्मा शो को वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस बताती हैं। वहाँ फेमस होने के बाद उन्हें और भी स्टेज शो मिलने लगे। शो के अलावा एडवर्टाइजमेंट की भी भीड़ लगने लगी। सुरभि और समृद्धि ITA अवार्ड शो में भी परफॉर्म कर चुकी हैं। यहाँ भी वो दोनों चिंकी मिंकी ट्विन ही बनी थीं। उन दोनों का सपना बॉलीवुड की एक सक्सेस एक्ट्रेस बनने का है, और ऐसा नहीं है कि वो साथ में ही दिखती हैं तो अलग अलग काम नहीं करेंगी। अगर अच्छे ऑफर आएंगे तो वो अलग काम करने को भी तैयार हैं। कुछ नहीं बोलेगा तो कुछ की जगह क्या बोलेगा? हाँ, ये समस्या है रे, क्या बोलने का? ए, तू इसके साथ मत घूम रे, तू पागल हो जाएगा। आप जा। सुरभि और समृद्धि को द ट्विन सेंसेशन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिल चुका है। चलिए उनके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करते हैं। सुरभि और समृद्धि न सिर्फ शरीर और शक्ल से एक जैसी हैं, बल्कि उनकी सोच और पसंद भी एक जैसी ही है। वो दोनों अपने फैंस को फैंस नहीं, अपनी फैमिली ही मानती हैं। वो बोलती हैं, आज हम जो भी हैं उन्हीं की वजह से हैं। फेमस सेलिब्रिटीज़ के अलावा दोनों की एक अलग पर्सनालिटी भी है। वो गरीबों और बेसहारा बच्चों की मदद करती भी नज़र आ जाती हैं। वो टिकटॉक पर रॉन्ग और बल्गर कंटेंट डालने वालों से बहुत खिलाफ रहती हैं। सुरभि या समृद्धि में से एक ने बताया कि वो जब शॉपिंग करने जाती हैं तो सेलमैन उन्हें पहचान लेते हैं और बोलते हैं कि आपको तो दो ही चाहिए होगा। वो दोनों पहले भी सिंगल थीं और अभी भी किसी रिलेशनशिप में नहीं हैं। सुरभि और समृद्धि को स्पाइसी फूड खाना काफ़ी पसंद है, और वो भी स्ट्रीट फूड। सुरभि और समृद्धि ने जब पहली बार खुद को टीवी पर देखा था तो उन्होंने वो मूवमेंट अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। अगर शैतानी की बात करें तो सुरभि समृद्धि से ज़्यादा शैतान रही हैं और आज भी हैं। बचपन में सुरभि ने समृद्धि को बोला कि तुम मुझसे एक मिनट छोटी हो, मुझे दीदी बोला करो, तो समृद्धि उन्हें दीदी भी बोलने लगी। लेकिन कुछ टाइम बाद जब समृद्धि को पता चला कि एक मिनट तो बहुत छोटा टाइम होता है, फिर दोनों में टॉम एंड जेरी जैसी खूब लड़ाई हुई। उनमें से किसी एक को, पता नहीं किसको, येलो कलर बहुत पसंद है, या दोनों की पसंद एक जैसी है, तो हो सकता है येलो दोनों का फेवरेट हो। तो दोस्तों, ये थी लाइफ स्टोरी सुरभि और समृद्धि की। हम प्रे करते हैं जल्द वो बॉलीवुड में नजर आए। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करें। ये केक दे दो और इस पर लिख दो हैप्पी एनिवर्सरी। बर्थडे मना ले। हैं? एनिवर्सरी या बर्थडे क्यों मनाएंगे? एनिवर्सरी की स्पेलिंग नहीं आती यार मेरे को। ओए सुनो। हाँ बोल। कितनी सुंदर हो यार तुम। अरे यार झूठ बोलना बंद करो। ओहो, समझदार भी हो। बॉयज बॉयज बॉयज, वो आ रहे। कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा, ओके? कोई कुछ नहीं बोलेगा तो कुछ की जगह क्या बोलेगा? ये समस्या है रे, क्या बोलने का? ए, तू इसके साथ मत घूम रे, तू पागल हो जाएगा। आप जा, आप काम। क्यों बार बार मेरे करीब आने की कोशिश करते हो? दूर रहो मुझसे। मार लो, लेकिन मेरे को घर तक छोड़ना पड़ेगा। मेरे को फिर शर्म नहीं आती आपको लोगों से मार खाते हुए? मार खाने में कैसी शर्म भाई। हाय, मैं डॉक्टर, मैं दवाई ले लूंगा, ठीक हो जाऊंगा। हाय गाइस, इट्स चिंकी मिंकी। तो क्या आप भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रही हूँ, कि मैं चिंकी हूँ या मिंकी? और अगर मैं चिंकी हूँ तो मिंकी कहाँ है? और अगर मैं मिंकी हूँ तो चिंकी कहाँ है? और गाइस, मैं आपको एक बात बताऊँ तो भूल ही गई कि मैं आपकी चिंकी हूँ और वो आपकी मिंकी।
और जो जस्ट अभी भी यहाँ से गई ना वो आपकी मिंकी है और मैं आपकी चिंकी। यार तो मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रही हूँ कि मैं चिंकी हूँ या मिंकी। मैंने आपको भी कंफ्यूज कर दिया ना, तो कोई नहीं आज आपको बता ही देती हूँ कि कौन चिंकी है और कौन मिंकी। तो